मुस्लिम लीग नून मुश्किल में फंस गई। कारकुनों और अवाम ने कोई खास जोश न दिखाया। पार्टी का एक ग्रुप कायद को वापस आने से रोकने के लिए मुतहरिक हो गया। मुस्लिम लीग नून में मौजूद मुफाहमती पॉलिसी का हामी ग्रुप नवाज शरीफ की वापसी मौखर कराने में सरगर्म हो गया, जबकि पार्टी के दूसरे ग्रुप का मौकिफ है वापसी को मुलतवी किया गया तो अवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुफाहमती ग्रुप ने वतन वापसी मुलतवी करने की तजवीज दी। ताहम कायद नून लीग नवाज शरीफ ने इस तजवीज पर फौरी रद्द अमल देने से गुरेज किया। पार्टी ज़राए का कहना है कि मुफाहमती ग्रुप का मौकफ है महंगाई बेरोजगारी से परेशान अवाम को नवाज शरीफ की वतन वापसी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर में अवामी राबता मुहिम शुरू करके अवाम की नब्ज देख चुके हैं। मौजूदा हालात में अवाम की जानिब से नवाज शरीफ के शायान शान इस्तकबाल की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। ज़राए ने मजीद बताया कि इलेक्शन के करीब या उसकी बाकायदा तारीख का ऐलान होने के बाद नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। उधर लंदन में सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि लीगी कायद की वतन वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई। उनका 21 अक्टूबर को वापसी का प्रोग्राम फाइनल है।